देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, 4 साल उसको भारी तनख्वाह भी मिलेगी, 4 साल के बाद पेंशन नुमा ग्रेजुएटी वाली पूरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी। राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। नौकरी सभी को मिलनी है, या तो सेनानी की मिलनी है, या तो पुलिस की मिलनी है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिलनी है। राहुल जी का जो झूठ बोलने की आदत है, बार 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 झूठ को बोलते जाना, अग्निवीर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। राहुल गांधी जी ने कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाए, और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजना है कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है, और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी है उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। उनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी कई सारी रियायतें दी हैं, जैसे उम्र की रियायत दी है कि इनकी एज ग्रुप में रिलैक्सेशन दिया है, उसके बाद एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, फिजिकल भी नहीं करनी है। अब ये सारी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स में ना आया हो। अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो अलग ही बात है, और इसके अलावे भी ढेर सारे सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्रायोरिटी तय की है। अब एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, 4 साल उसको भारी तनख्वाह भी मिलेगी, और 4 साल के बाद पेंशन नुमा ग्रेजुएटी वाली पूरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी। इसमें किसका नुकसान होने वाला है भाई? राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर इस तरह की झूठी बातें फैलाते हैं, आप लोग ये मेरी बात को युवाओं के लिए, पूर्व सेना के हमारे जवानों के परिवारों के बीच में ये बात को जरूर पहुंचाइए। नौकरी सभी को मिलनी है, या तो सेनानी की मिलनी है, या तो पुलिस की मिलनी है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिलनी है। सबको पेंशन मिलना है, सबको ग्रेजुएटी मिलनी है, और सारे सरकारी फायदे भी मिलने। तो राहुल जी का जो झूठ बोलने की आदत है, बार 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 झूठ को बोलते जाना, अग्निवीर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। धन्यवाद।